है सबको यस सर स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको यस yes, सर सही दिख रहा है यस सर स्क्रीन उल्टा तो नहीं दिख रहा ना सही दिख रहा है ना सीधा दिख रहा है ना स्क्रीन ये बताओ हाँ सर सीधा ही दिख रहा है चलो ठीक है तो चलो ये सबको पता है कि DNA से बनना, replication, DNA से RNA, transcription, RNA से protein बनना बनना ट्रांसलेशन सबका लोकेशन भी बताया था आपको मैंने ये बताओ yes, सबको याद है लोकेशन yes, yes. तो बता दो अगर याद है तो यू कैर में है ना यू कैर में आपको बताना है कि रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है न्यूक्लियस में याद है सबको देखो यस yes, मैंने क्या पूछा यू कैरियोट में बेटा ठीक है कि यू कैरियोट में आपसे क्या पूछा गया दूसरा क्या पूछा गया आपसे ट्रांसक्रिप्शन 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 कहा होता है लोकेशन क्या है उसका न्यूक्लियस 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 में होता है और एक प्रोसेस जो है आपका इज तीसरा कौन सा है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ये होता है साइटोप्लाज्म दिस अकर्स इन साइटो याद है सबको ये चीज यस सर यस सर चलो ठीक है लेकिन अगर कोई पूछे कि प्रोकैरियोट में तीनों प्रोसेस कहाँ होता है तो क्या बताओगे साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट में तीनों Cytoplasm. कहा होता है बेटा साइटोप्लाज्म में क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब होता ही नहीं है क्लियर है क्लियर है यस yes, सर चलो आगे देखते हैं <coughs> बढ़े आगे यस yes, सर चलो तो ये yes, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है देखो इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस एंड देन आरएनए गेट्स ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म एंड देन ट्रांसलेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स ऑल द थ्री प्रोसेसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म है ना तो ये बात हमने देख लिया था चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन अब पहले अपन अकॉर्डिंग टू एनसीआर क्या देखेंगे बेटा प्रोकाइरोटिक सेल प्रोकाटिक सेल बहुत डिटेल में इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है जितना दिया हुआ है अपन पढ़ेंगे यहाँ पे उसके बाद बाकी जो प्रोकाइरोटिक सेल है किंगडम मोनेरा वो कहाँ पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर टू में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लियर है yes, sir. हाँ तो आप उसको याद रखोगे ठीक है चलो आगे देखते हैं बेटा तो अपन को याद क्या रखना है या रखना है याद कि भाई रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कहा होता है इसको आपको नहीं भूलना है ठीक है आई बात समझ यस सर यस सर यह अगर भूलोगे तो दिक्कत होगा बाद में क्योंकि ये बहुत जगह आने वाला टॉपिक है तो इसको अपन क्या करेंगे हमेशा याद रखेंगे ठीक है ओके okay, सर चलो आगे देखो अब देख रहे प्रो कैरोटिक सेल में अपन क्या देखना है देखो द प्रो कैरोटिक सेल सर रिप्रेजेंटेड बाई आपको कल ही बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रोकैरियोट्स में एक ही आता है कौन आता है आपका बैक्टीरिया है हा ना हाँ बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आता है इसमें कौन है बेटा बैक्टीरिया ही आता है ठीक है तो देखो द सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी माइक्रो प्लाज्मा एंड पीपीएलो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये सब किस ऑर्गेनिज्मे <coughs> प्रो कैरोटिक सेल में बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम क्या है आप जानते हो बीजी ये बोलते हैं इसको या क्या है? है? है इसको क्या बोलते हैं अपन याद है साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया ठीक है इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलो या साइनो बैक्टीरिया बोलो तो ये भी क्या है एक टाइप का बैक्टीरिया ही है मैंने बता तो दिया कि इसके अंदर सारे बैक्टीरिया ही होंगे हाँ यह हो सकता है कि अलग अलग टाइप्स हो तो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी माइक्रोप्लाजमा आपको बताया था ना ये भी क्या है एक बैक्टीरिया है लेकिन इसमें क्या नहीं होता है कौन सा बीमारी निमोनिया बोल देते है निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सब बैक्टीरिया के टाइप है और यही आते हैं किसके अंदर जल्दी बताओ प्रो कैरियोटिक्स क्लियर है क्लियर है yes, yes, sir. Sir. चलो अगली बात देखते हैं अपन दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन रेपिडलीर सेल प्रो सेल का जो साइज होगा यू सेल के comparison में क्या होगा small होगा स्मॉल ठीक है हाँ और इसका मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो अभी फास्टर होगा देखो स्मॉल सेल है सिंपलर स्ट्रक्चर है इसका मतलब क्या है इसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा क्या होगा फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू यू कैरियोटिक सेल क्लियर है बेटा यस yes. अब देखो द फोर बेसिक सेप्स ऑफ बैक्टीरिया देखो बेसिक बोल रहा है मतलब इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं जो चैप्टर नंबर सेकंड में आपको पढ़ाऊंगा मैं लेकिन अभी जो एनसीआर में दिया हुआ है फोर बेसिक सेप्स उसको देखते हैं तो चार बेसिक सेप इसको कौन कौन है बैसिलस कॉकस विब्रियो एंड एस्पायरुलम ठीक है बैसिलस मतलब कैसा से बेटा कैसा से रॉड लाइक रॉड लाइक जब रॉड लाइट रॉड शेप के बैक्टीरिया होंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन बैसिलस ठीक है जब स्पेरिकल होगा देखो ना यहाँ पे सारा डायग्राम है जब राउंड राउंड होगा ऐसे स्पेरिकल होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा कॉकस ठीक है तीसरा जब कॉमा कॉमाशिप्ट हो कैसे शेप को हो कॉमा से ऐसे. ऐसे, ऐसे ऐसे हो कॉमा सेप के हो तो इसको क्या बोलेंगे विब्रियो और जब स्पाइरल हो स्पाइरल बाइंडिंग देखा है ना बुक में कैसे होती है स्पाइरल बाइंडिंग ऐसे ऐसे होती है कि नहीं बताओ है ना यही है देखो ना Yes, जब स्पाइरल शेप का हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन स्पाइरोलम क्लियर है यस यस सर ये चार बेसिक शेप मिलते हैं बैक्टीरिया के बैसिलस रॉड लाइक कॉकस स्फेरिकल वेब्रियो कॉमा शेप एंड स्पाइरोलम कैसा होगा बेटा आपका स्पाइरल ये सारे सेप यहाँ पे दिए हुए हैं क्लियर है, है सबको बोलो यस yes, सर चलो अगला देखो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रो कैर एग्जिबिट अराइट एंड फंक्शन अब देखो क्या दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रो कैरोल प्रो कैरोल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होगा सब कुछ का जो आपका क्या होगा <coughs> जैसे मान लो हम लोग हैं हम ह्यूमन बींग्स है सबका नेचर अलग होता है सबका बिहेवियर अलग होता है काम करने का तरीका अलग होता है है ना सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है लेकिन अगर हम बात करें अपने अंदर के ऑर्गेनाइजेशन का तो लगभग सेम है कि नहीं आपके पास भी दो हाथ है मेरे पास भी दो हाथ है आपके पास भी दो आंख है मेरे पास भी दो आंख है है ना आपके पास भी दो पैर है मेरे पास भी दो पैर है आपके पास भी दो किडनी है मेरे पास भी दो किडनी है है कि नहीं जल्दी बताओ यस सर सर यस लेकिन सब कुछ तो ही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन सेम है हम लोग का फंडामेंटली लगभग सिमिलर है सारे ह्यूमन बींग्स है ना ऑर्गेनाइजेशन सेल्स के सब कुछ लेकिन हम लोग शेप में और फंक्शन में वैरी करते हैं कि नहीं शेप मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आप साइज देखो किसी का छोटा होता है कोई बहुत लार्ज होता है है ना सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है होता है कि नहीं जल्दी बताओ बोलो तो यही yes, बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया बैक्टीरिया सारे जो है एक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन तो लगभग सेम ही होगा कि जैसे जैसे इसमें एक बैक्टीरिया में जैसे सर्कुलर डीएनए है तो दूसरे में ऐसा थोड़ी लीनियर हो जाएगा इसमें भी कैसा होगा बेटा सर्कुलर ही होगा होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ यस सर हाँ तो यही बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेम है लेकिन फिर भी आप बैक्टीरिया का अभी तो देखा आपने बहुत अलग अलग शेप में मिल सकते हैं सबका फंक्शन अलग अलग होगा अभी तो आपने देखा कॉकस शेप का हो सकता है स्पाइरल हो सकता है हो सकता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ yes, है ना तो यही बोल रहा है कि भाई ये बहुत सारे कंडीशन इसमें पॉसिबल हो सकते हैं क्लियर है बेटा yes, sir. Yes, sir. चलो आगे देखते हैं अगला पॉइंट देखो

जो अंदर में फ्लूड होता है उसको क्या बोलते है अपन? हैं अपन? साइटोप्लाज्म, सारा दिया हुआ है जो आप पढ़ रहे हो सब कुछ ये सब ऑलरेडी आपने किसमें देख लिया है डिफरेंसेस में ठीक है तो सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो सब लोग बोलो देखो आप हमने पढ़ चुका है पहले ही क्या कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है पढ़ा है कि नहीं yes, sir. Yes, sir. और ऐसा आस, क्यों बोलते हैं अपन क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है है ना इसका मतलब क्या है कि इसका जेनेटिक मटेरियल बेसिकली कैसा होगा डीएनए कैसा होगा इसका नेकेड होगा होगा कि नहीं एंड नॉट बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चलो आगे इन एडिशन टू द जीनोमिक जीनोमिक डीएनए डीएनए मतलब वही मेन डीएनए याद है याद है सबको मैंने बताया था चलो yes, फिर से sir. एक बार बता रहा हूं मैं फिर से बता रहा हूं जो भूल गए होंगे उनके लिए देखो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि बैक्टीरिया में अपन देख लेते हैं कि बैक्टीरिया ठीक है पहले बैक्टीरिया देखते हैं अपन ये देखो ये मान लो आपका बैक्टीरिया है क्लियर है बेटा दिख रहा है सबको अब देखो बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होता है और सेल सेल में भी, भी होता है ठीक है तो अपन इसका दोनों दिखा लेते हैं एक और दिखा लिया हमने ऐसे चलो एक मिनट हाँ देखो बेटा तो बैक्टीरिया में आपका सेल वॉल होता है और क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन भी होता होता है ना जल्दी बताओ यस yes, सर तो पहले अपन बना लेते हैं एक मिनट पे दिखाने दो सेल को थोड़ा हाँ ऐसे हो गया चलो दिख रहा है सबको बताओ ये एक सेल वॉल हो गया एक सेल वॉल हो गया आउटर कवरिंग क्या है इसका आउटर कवरिंग क्या है सेल वॉल और इनर कवरिंग क्या है सेल मेम्ब्रेन चलो है इसका सेल वॉल ये है इसका सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा ठीक है अब इसके yes. अलावा आपको बताया था कि चलो बैक्टीरिया में एक मेन डीएनए तो होता ही है मेन डीएनए तो होगा ही इसमें देखो जैसे कि यहां पे अपन दिखा लेते हैं कैसा डीएनए होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर ऐसा ही होता है डबल yes, स्टैंडर्ड सर्कुलर ठीक है तो देखो यह हो गया इसका मेन डीएनए जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं इसको मेन डीएनए और अगर याद हो आपको तो इसको बोलते हैं अपन क्रोमोजोमल डीएनए याद है Yes, क्रोमोजोमल डीएनए या ये न्यूक्लियस के अंदर है तो इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर डीएनए बोल सकते हैं ना यस yes, सर न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या बोल सकते हैं इसको न्यूक्लियर डीएनए ठीक है अब देखो लेकिन इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में सारे बैक्टीरिया में नहीं याद रखने का इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में एक और मिलता है आपका कौन सा जल्दी बताओ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जिसको अपन क्या बोलते थे प्लाजमेट है ना जिसको क्या बोलते थे अपन प्लाज्मेट देखा एक्स्ट्रा सेल्फ रेप्लीकेटिंग डीएनए याद है ना याद है बेटा येस, येस, था येस, था वही लिख रहा है पे देखो इन एडिशन टू द जीनोमिक जीनोमिक डीएनए डीएनए मतलब वो मेन डीएनए की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है मेन डीएनए की बात कर रहा है बेटा ठीक है आई बात समझ जीनोमिक डीएनए जिनोम किसकी बात कर रहा है देखो ना अभी बताया आपको जीनोमिक डीएनए मतलब इसकी बात हो रही है आज बात समझ ठीक है तो मेन डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में एक और डीएनए मिलता है हमें डीएनए कौन सा है प्लाज्मिट ठीक है ठीक है क्लियर है जल्दी बताओ और yes. बैक्टीरिया के yes. बैक्टीरिया yes. के या प्रो डीएनए की डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा वह क्या होगा डबल स्टैंडर्ड होगा और सेप कैसा होगा उसका सर्कुलर होगा ठीक है तो देखो यहाँ देखो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोजोम या सर्कुलर डीएनए और आपको ये भी याद होगा मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में अपने डीएनए को ही क्रोमोजोम जल्दी बताओ यस yes, दूसरी yes, बात कोई पूछे कि बैक्टीरिया में नंबर ऑफ कितने होते हैं कितना बताओगे जल्दी बताओ बैक्टीरिया Bacteria... में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं सिंगल एक ही क्रोमोजोम होता है बैक्टीरिया में कितने क्रोमोजोम होंगे सिंगल सिंगल क्रोमोजोम उसमें बैक्टीरिया में सिंगल डीएनए होता है उसी डीएनए को क्या बोल देते हैं अपन क्रोमोजोम hmm. तो बैक्टीरिया में कोई पूछे कितने क्रोमोजोम तो क्या बोलोगे सिंगल हम हमलो में कितने हैं हम में कितने एक सेल के अंदर वेरी गुड चलो तो देखो इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए जिसको अपन सिंगल क्रोमोजोम बोल सकते हैं सर्कुलर डीएनए होता है मेनी बैक्टीरिया है स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए जीनोमिक डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में कुछ एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से पहले ही देख चुके हैं उसी को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं है कि नहीं yes. बोलो। अगला देखो ये सारे हैं पहले ही सारा हो चुका है हमारा ठीक है बस आपको उसी को थियरी के फॉर्म में देख रहे हैं डिफरेंस टेबल फॉर्म में आप देख चुके हैं आगे देखो द प्लाजमे डीएनए कन्फर्स यूनिक फेनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक टू द अब ये लाइन क्या है यह बेहतर बताऊंगा फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा सुनो मतलब तो प्लाज्मी डीएनिक को कुछ तो फायदा हो रहा होगा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा जल्दी बताओ है ना yes. तो उसी को बोलते हैं वन सच कैरेक्टर इज द रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स समझो इस बात को इस बात को अभी तुरंत समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ मैं यहां देखो चलो ये जो प्लाज्मिट होता है ना बेटा यहां देखो ये मान लो आपका बैक्टीरिया है और इसमें मान लेते हैं प्लाज्मे डीएनए है आपका और ये है आपका मेन डीएनए ठीक है दिस वन इज प्लाज्मेट होता क्या है देखो इस प्लाज्मिट में कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं डीएनए है ना तो डीएनए में जीन होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ होगा ना है ना सर। तो देखो इसमें ना ये प्लाज्मिट होने का कुछ फायदा होता है बहुत सारे टाइप के प्लाज्मिट होते हैं पढ़ेंगे अपन है ना जैसे आप पढ़ोगे आने वाले टाइम में आर प्लाज्मिट एफ प्लाज्मिट आधी बार समझ है ना टी आई प्लाज्मिट यह सब पढ़ेंगे अपन बहुत सारे टाइप के प्लाज्मिट होते हैं ठीक है आर आई प्लाज्मिट ये सब पढ़ेंगे अपन अभी बस अभी समझो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक एग्जाम्पल देखे कि प्लाज्मिड होने का बैक्टीरिया को क्या फायदा मिलता है क्लियर है अभी अपन क्या समझ रहे हैं कि प्लाज्मिड होने का बैक्टीरिया को कैसे फायदा होता है एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूं मैं क्लियर है बेटा बोलो यस यस हाँ तो देखो आप क्या फायदा है मान लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल ले रहे अभी कौन सा ले रहे हैं आर प्लाज्मिड का किसका ले रहे हैं आर प्लाज्मिड तो देखो आर मीन होता है क्या है बेटा खुद को बचाना है ना जैसे मान लो कि बहुत ठंडी है ठंड नहीं लग रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? है ना कोल्ड से मुझे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी को बहुत गर्मी है फिर भी गर्मी की महसूस नहीं हो रही तो क्या बोलेगा आई एम रेजिस्टेंट टू क्या समर या हॉट वेदर है ना बात समझ में आ रही है जल्दी बताओ yes, है ना तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं रेजिस्टेंस मतलब आपने अंदर वह क्षमता डेवलप कर लिया है जिससे आपको एडवर्स कंडीशन में फर्क नहीं पड़ता है। अब एक बात बताओ लॉजिकल सारी बातें सोचना है एंटीबायोटिक्स क्या होता है किसी को पता है कब एंटीबायोटिक्स खाते हो वाले अभी तो कोविड के टाइम में बहुत तो सुनते होंगे एंटीबायोटिक्स क्या होता है बेटा बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं एंटी बायोटिक्स है ना एंटीबायोटिक्स का फुल फॉर्म ही क्या है देखो ना एंटी बायोटिक्स एंटीमस्टी बेटा और बायोमिन होता है बता? Against. Okay. और bio means क्या होता, बता चुका हूं बहुत बार लाइफ है कि नहीं लिविंग या लाइफ तो देखो एंटीबायोटिक्स किसके लाइफ के अगेंस्ट है बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट है तभी तो हम तो इसको खाते हैं हमारे बॉडी में मान लो कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हम कौन सी दवा लेते हैं एंटीबायोटिक्स ताकि वो क्या करे बैक्टीरिया को किल कर दे आई बात समझ जल्दी बताओ बोलो yes, sir. अब देखो बेटा बात yes, क्या है यहाँ पे बात क्या देखो आप ठीक है सर एंटीबायोटिक्स तो आपने बता दिया कि बैक्टीरिया को किल करता है अब चलो एक प्लेट ले रहे हैं हम है ना जब लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तब आप समझोगे बेटा ये सब एक हमने प्लेट लिया कल्चर प्लेट होता है लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो एक पैट्रिक डिश आता है छोटा सा ग्लास का है ना डिश आता है उसमें हम उसमें हम न्यूट्रिएंट रख देते हैं न्यूट्रिएंट मतलब अब बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो खाना दोगे कि नहीं दोगे बताओ किसी को भी ग्रोथ करवाने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए तो इस प्लेट में हम क्या करते हैं बेटा न्यूट्रिएंट डाल देते हैं क्या डाल देते हैं न्यूट्रिएंट और इसमें आके बैक्टीरिया को डाल दिया सर बैक्टीरिया को कहा से ला डाल देंगे अरे बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट है आप क्या करो मिट्टी उठा लो कहीं से उस मिट्टी को इस प्लेट में डाल दो उसमें भी लाखों बैक्टीरिया मिल जाएंगे मिट्टी को लो पानी में डिजॉल्व कर दो उसका एक बूंद इसमें डाल दो उसमें भी हजारों बैक्टीरिया मिल जाएंगे आई बात समझ बेटा जल्दी बताओ यस सर ठीक है तो देखो एक प्लेट लिया है ना ध्यान से देखना ये प्लेट लिया इस प्लेट में हमने किसको प्लेस कर दिया जल्दी बताओ बैक्टीरिया को किसको प्लेस कर दिया भाई बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया इसमें ऐसे करके कि इसमें किसको प्लेस कर दिया बेटा बैक्टीरिया दूसरा और इसमें हमने पहले से क्या रख रखा है इस प्लेट में पहले से हमने प्लेस कर दिया हुआ है क्या एंटीबायोटिक्स क्या डाल दिया हुआ है इसमें जल्दी बताओ एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स इस प्लेट में पहले से क्या डाल दिया हमने एंटीबायोटिक्स ठीक है अब बताओ जैसे ही हम इस बैक्टीरिया को इस प्लेट में डालेंगे यह बैक्टीरिया जिंदा रहेगा या, या मर जाएगा मर जाएगा अरे मर घर अरे मर जाएगा ना बेटा क्योंकि इसमें क्या डाला हुआ है एंटीबायोटिक्स इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा मर जाएगा ये मर जाएगा ना जल्दी बताओ Yes. 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 दूसरा प्लेट अपन लेते हैं इस प्लेट में भी हमने किसको डाल दिया बेटा बैक्टीरिया को किसको डाल दिया बैक्टीरिया yes. को बट इसमें कंडीशन क्या है दूसरा इसमें कंडीशन ये है नो no एंटीबायोटिक्स इसमें क्या है बेटा इसमें क्या है जल्दी बताओ नो no एंटीबायोटिक्स no तो ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा जिन्दा जिन्दा रहेगा, जिन्दा तो तो ग्रोथ करेगा ठीक है ग्रोथ करेगा चलो ये तो बात हो गई चलो कि एंटीबायोटिक्स डाला तो मर गया एंटीबायोटिक्स नहीं डालेंगे तो जिंदा रहेगा सर अब तीसरा कंडीशन ले लेते हैं तीसरा कंडीशन ध्यान से सुनते जाना अब एक बैक्टीरिया आपके पास ऐसा आया जिसके पास प्लाज्मिट प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है बेटा प्लाज्मिट बात समझ में आ रही है जल्दी बोलो एक बैक्टीरिया ऐसा आया जिसमें क्या प्रेजेंट है प्लाज्मिड ठीक है plasmid. और इसके प्लाज्मिड में और इसके प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है बेटा एक जीन प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है जल्दी बताओ जीन. एक जीन इसके प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है बेटा जीन प्रेजेंट है एक ठीक है चलो देख लेते हैं इस जीन को चलो यहाँ पे देखो देखो यहां पे एक जीन प्रेजेंट है मान लो यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा एक जीन इस प्लाटमिन में क्या प्रेजेंट है बेटा जीन प्रेजेंट है कौन सा जीन है जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या प्रेजेंट है बेटा एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस बात समझो इस बैक्टीरिया में एक जीन है मतलब जानते हो यहाँ पे डीएनए है ये प्लाज्मिक डीएनए है ना इसमें एक जीन है ये जीन किसका जीन है बेटा जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बात समझ में आ रही है जल्दी बोलो बोलो हाँ तो देखो हमने तीन कंडीशन देखा पहला देखा कि एक प्लेट लिया उसमें एंटीबायोटिक्स डाल दिया बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा दूसरा प्लेट लिया जिसमें एंटीबायोटिक्स नहीं है उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा अब हमने एक बैक्टीरिया को ऐसा बैक्टीरिया को लिया जिसमें क्या प्रेजेंट है प्लाज्मिट कौन सा प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड प्लाज्मिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसमें से मान लिया इसमें कौन प्लाज्मिड प्रेजेंट है कौन सा प्लाज्मिड है जल्दी बताओ आर प्लाज्मिड आर मतलब क्या होता है मतलब? मतलब एक ऐसा जीन है जो बैक्टीरिया को क्या देता है एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या देता है रेजिस्टेंस मतलब अभी बताया था रेजिस्टेंस मतलब हमने बोला जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहा है मतलब एंटीबायोटिक को क्या करेगा एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ने देगा किसको जल्दी बताओ बैक्टीरिया को बात समझ में आई yes, sir. हाँ, yes, sir. इस बैक्टीरिया में ऐसा जीन है जिसको एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब देखो अगला कंडीशन क्या है अगला कंडीशन देखो चलो हमने ले लिया इसको सर ये, ये कौन वाला है यह वाला है जिसमें क्या प्रेजेंट है कौन सा जीन प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन चलो यहां पे देख लेते इसमें क्या प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन दूसरा बैक्टीरिया कौन लेते ले हैं अपन एक दूसरा बैक्टीरिया है इसमें बस मेन डीएनए प्रेजेंट है है ना मेन डीएनए सब में होता है लेकिन इसके प्लाज्मिड इसमें नहीं है इसमें क्या नहीं है बेटा प्लाज्मिड एबसेंट इसमें प्लाज्मिड एप्सेंट है इसमें आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है कौन सा प्लाज्मिड है आर प्लाज्मिड चलो अब हमने एक प्लेट लिया अब ध्यान से देखो अब हमने एक प्लेट लिया इस प्लेट में एंटीबायोटिक्स डाल दिया क्या डाल दिया एंटीबायोटिक्स चलो ये बैक्टीरिया नंबर है, ए नंबर है ये बैक्टीरिया नंबर बी है ठीक है इस बैक्टीरिया को इस प्लेट में हमने डाला मरेगा कि जिंदा रहेगा बैक्टीरिया नंबर बी मर जाएगा क्योंकि इसमें कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है ये मर जाएगा तुरंत अब देखो बैक्टीरिया नंबर ए को डाला इसमें ए मरेगा कि जिंदा रहेगा जिंदा रहेगा क्यों जिंदा रहेगा क्यों जीन है कौन सा जीन जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक से बचाएगा उसको बात समझ में आई तो देखो प्लाजमिट होने का फायदा हुआ कि नहीं उस बैक्टीरिया को हुआ कि नहीं Yes. अरे सबको समझ में आ रहा है बेटा है मल सुहा सब लोग सादिया साधिया हाँ yes, तो बोल yes, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्लाज्मिट के होने के कारण इस बैक्टीरिया को फायदा मिल गया क्योंकि इसमें जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का तो इसको मैंने एंटीबायोटिक्स में डाला भी तो यह वाला जीन ना इसको बचा लिया वहां पे क्योंकि ये जीन ही किसके लिए है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए है आई बात समझ बोलो तो वही लाइन वही लाइन वहां पे लिखा हुआ था कि जो प्लाज्मिट होगा ना कुछ कैरेक्टर देगा बैक्टीरिया को कुछ फेनोटाइपिक कैरेक्टर देगा जिससे उसको सर्वाइवल में मदद मिलेगा क्लियर है बेटा और जिसमें नहीं होगा पक्की बात उसका हो जाएगा। है ना तो अलग अलग टाइप के प्लाजमिट होते हैं जैसे आर प्लाजमिट तो रेजिस्टेंस दिया एफ प्लाजमिट होता है वो फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है ठीक है वो सब बाद में सीखेंगे चलो क्लियर है बात बताओ यस सर यही लिखा हुआ द प्लाज्मिट डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर है ना कि कुछ उसको फायदा देता है किसको बैक्टीरिया को वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक आपने देखा ना कि कैसे प्लाज्मिक को होने से वह एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस हो गया क्लियर है yes, चलो आगे अगला देखो नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यू कैरोटिक्स आर फाउंडिक एक्सेप्ट फॉर राइबोजोम आप जानते हो यू में जो जो ऑर्गेनल मिलता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ना बात समझ में आ रही है वैक्यूल्स लाइसोजोम्स गॉलजी बॉडीज वो सब इसमें नहीं मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा प्रो कैरोट okay. में लेकिन राइबोजोम कैसा है membrane है कि मेम्ब्रेन बाउंड है जल्दी बताओ membrane -less. लेस. ये दोनों में मिलेगा किसमें प्रो कैरोटिक में भी और ये -करोटिक ये -करोटिक ये -करोटिक में भी अगला देखो प्रो यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजंस प्रो कैरोटिक में एक कुछ स्पेशल चीज मिलता है जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी क्या बोलते हैं बेटा इंक्लूजन बॉडी आई बात समझ जल्दी बताओ या प्रो कैरोट में आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा इंक्लूजन बॉडीज ये इंक्लूजन बॉडी क्या है जल्दी बताओ होता है ना ये yes, तो वही खाना जो स्टोर होता है ना उसी को नॉन इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं सीधे समझो कि जो आपके प्रो कैरोट के सेल में जो भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जैसे और इसका काम एक ही होता है इंक्लूजन बॉडी का यह को स्टोर करके रखता है Clear है क्लियर बेटा जल्दी बताओ yes, हाँ सर ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो सेल में होता है और न्यूट्रीएंट क्लियर है क्लियर है, कर कर है? Clear है? Clear है? Yes, आगे देखो ये बता दिया था कल मैंने इन फोल्डिंग ऑफ दल्बर क्या बोलते हैं मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट क्योंकि

बट फंक्शन सेम उसको क्या बोलते हैं अपन एनलोगस ठीक है तो अपन बोल सकते हैं कि मीजो जो माइटोकॉन्ड्रिया मीज बोल सकते हैं कि नहीं माइटोकॉन्ड्रिया yes, का भी, yes, भी, yes, का भी माइटोकॉन्ड्रिया yes, का भी काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम क्या है रेस्पिरेशन और मीजोजोम का भी काम क्या है रेस्पिरेशन तो दोनों का फंक्शन सिमिलर है कि नहीं है yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐस, ऐसे सारे ऑर्गेनल को जिनका फंक्शन सेम हो वैसे ऑर्गेनल को क्या बोलते हैं एनालोगस ठीक है क्लियर है चलो आगे देखो अगला यहां से शुरू हुआ आपका कहानी जब आपने देखा जब भी आप प्रो कैरोटिक सेल देखते हो सबसे बाहरी कवरिंग क्या देखते हो बेटा सेल वॉल और उसके बाहर क्या देखते हो उसके अंदर क्या देखते हो cell membrane, cell membrane. लेकिन अब देखो सेल वॉल के बाहर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे सेल वॉल के बाहर भी इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के है ना एक तो सेल वॉल हो गया एक सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेल वॉल के बाहर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलेंगे आपके लिए नया टर्म जिसको क्या बोलेंगे ग्लाइको कैलिक्स क्या बोलेंगे बेटा ग्लाइको कैलिक्स ठीक है यह तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं सेल एनवेलप क्या बोलते हैं जल्दी बताओ सेल एनवेलप एनवेलप क्या होता है जो किसी चीज को प्रोटेक्ट करता है जैसे आपकी चिट्ठी है कुछ भी है वो इनवेलप ऊपर से क्यों लगाते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टर है अंदर की चीजें तो सेल इनवेलप मतलब वैसा स्ट्रक्चर जो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है ठीक है तो सेल इनवेलप में तीन लेयर होते हैं सबसे आउटर कौन हो गया जल्दी बताओ अभी बताया ग्लाइको ग्लाइकोकैलिक इसके नीचे कौन होगा सेल वॉल सेल वॉल के नीचे कौन होगा सेल मेंब्रेन ठीक है टिश्यू को देखते हैं अभी आगे देखो यही बातें लिखी हुई है पे ियल सेमिकलीमिकलीसिकल्पोजिशन कॉम्प्लेक्स होता है तो आपको देखिएगा कि सब कुछ अलग अलग बना हुआ है ठीक है आगे देखो तो आपका जो सेल इनवेलप होता है कॉम्प्लेक्स होता है दूसरी बात द सेल इनवेलिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड थ्री लेट्रक्चर द आउटर मोस्ट ग्लाइको कैलिक्स फॉलोड बाई द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेमब्रेन देखिए तीन लेयर होते हैं सेल इनवेलप में अभी बताया मैंने पहला लेयर कौन सा है पहला लेयर कौन सा है तो अपन देख रहे हैं सेल इनवेल सेल देखो सेल इन्वेलप की बात करोगे बेटा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है बताओ कितने लेयर है इसमें थ्री थ्री लेयर थ्री लेयरड है सबसे पहली बात सबसे पहला जो आउटर मोस्ट कौन सा है आपका ग्लाइकोकैलस ग्लाइको कैलक्स दूसरा आपका कौन है सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल तीसरा आपका कौन है सेल मेम्ब्रेन सेल मेंब्रेन सेल क्लियर है क्लियर है yes, yes, दूसरी बात देखो ये ग्लाइको दो फॉर्म में मिल सकता है एक को अपन बोलते हैं और एक को बोलते हैं अपन स्लाइम लेयर क्या बोलते हैं जल्दी बताओ स्लाइम लेयर क्लियर है बेटा एक को क्या बोलेंगे दूसरे को क्या बोलेंगे अपन स्लाइम लेयर ग्लाइको कैलिक्स दो फॉर्म में मिल सकता है अब ब्रीफ में बता दू पहले लैंग्वेज को देखेंगे अपन लेकिन ब्रीफ में बता दो कि ग्लाइको को कब अपन बोलेंगे कैप्सूल और कब बोलेंगे स्लाइम लेयर ग्लाइको ग्लाइकोकैलिक सबसे पहले बात यहाँ पे थोड़ा सा सबसे ऊपर वाला लेयर कौन है आपका ग्लाइको है है ना इसके जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है बेटा सेलवॉल सेल तो देखो यह मान लेते यहां ध्यान दो यह मान लिया हमने सेल्वॉल है क्या है ये सेल्वॉल ठीक है हमने देख लिया कि अगर सेल वॉल से ऊपर वाला लेयर कौन है सबसे पहले ऊपर में कौन है glyco -galics. Glyco -galics. उसके नीचे कौन है हाथ मेरा सेल सेल वॉल वॉल अगर ग्लाइको सेल वॉल से टाइटली अटैच होगा पूरा पूरा टाइटली अटैच हो तो इसको बोलते हैं अपन कैप्सूल क्या बोलेंगे कैप्सूल व्हेन कैप्सुल्लाइको कैलिक्स टाइटली अटैच टू सेल वॉल इट इज कॉल्ड उसी को क्या बोलेंगे कैप्सूल अगर यह लूजली अटैच होगा

सबका फंक्शन अलग अलग है ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है ना दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट सबका फंक्शन अलग अलग है लेकिन फाइनली तीनों मिलके कैसा काम करता है सेल को क्या देता है क्या देता है Protection. Protection. ठीक है तो देखो सबसे पहला देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स अपन है ठीक है जब ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगा तब अपन देखेंगे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना अब बैक्टीरिया एक ही है कि बहुत हजारों बैक्टीरिया है, है ना ठीक है बहुत सारे बैक्टीरिया है तो हर बैक्टीरिया में ग्लाइको थिकनेस है ना? थिकने से सब अलग अलग होगा क्लियर है बेटा जल्दी बताओ यस yes, तो डिफर्स इन एंड थिकनेस थिकने भी मतलब इसमें जो किसी से बना हुआ वो भी थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा सब सब्लाइको कैलिक डिफर्स इन कम्पोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया बट इन जनरल ग्लाइको कैलिक्स इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स है ना ठीक है

when it is present in the form of loose sheets that is when glycocalyx is loosely associated with the cell wall it is called it is called slime layer clear hai beta yes sir yes sir chalo a function dekh lete hai slime layer sir karega kya dekho it provides protection against desiccation desiccation kya hota hai यह moisture लेस होने से बचाएगा मतलब dry condition से बचाएगा cell के moisture को lost होने से बचाएगा desiccation मतलब dry condition आ रही बात समझ जल्दी बताओ तो इस सेल को किस कंडीशन से बचाता है जल्दी बताओ डेजिकेशन से ड्राइनेस से एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिय प्लस सेल के अंदर जो न्यूट्रिय है ना उसके भी लॉस को ये रोकता है क्लियर है बेटा बोलो yes, चलो दूसरा किस फॉर्म में मिलता है कैप्सूल के फॉर्म में Capsule. ठीक है वेन ग्लाइकोकैलिस थिक जब पूरा थिक हो टफ हो और टाइटली अटैच हो किससे सेल वॉल से तो इसको क्या बोलेंगे कैप्सूल yeah. बोलेंगे ठीक है अब ध्यान रखना क्वेश्चन पूछता है कि कैप्सूल थिन होता है या आपका स्लाइम लेयर थिन होता है तो क्या बोलोगे स्लाइम लेयर कैप्सूल कैसा होता है थिक होता है क्लियर है जल्दी बताओ yes, चलो फंक्शन अब क्या होगा कैप्सुल उसका फंक्शन देखा इसका भी फंक्शन देख लो इट में प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस बाय डब्ल्यूबीसी ऑफ द इम्यून सिस्टम देखो हमारे हमारे शरीर में अपना इम्यून सिस्टम है कि नहीं है है ना जानते yes. हो कि नहीं yes. आप सुनते होंगे आजकल कोविड के टाइम पे सुनते होंगे इम्यूनिटी अच्छी है ना वह बच जा रहा है मतलब हमारे अंदर में भी ऐसा सिस्टम है जो बैक्टीरिया वायरसेस इन सबसे कंटिन्यूस क्या कर रहा है बेटा लड़ रहा है ठीक है जब हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है तब हमें बीमारी हो जाती है क्लियर है जल्दी बताओ ठीक है तो देखो तो देखो आप आप एक चीज देखो जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करेगा ठीक है दवा हम कब खाते हैं जब हमारी बिगड़ जाती है अभी अगर मैं इस रूम में हूँ या आप अपने घर में बैठे हुए हैं वहां पे भी पे भी भी हजारों हजारों बैक्टीरिया बैक्टीरिया आपके हाथ है क्या बीमार हो जा रहे हो क्या नहीं हो रहे हो ना क्यों नहीं हो रहे हो क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम लड़ रहा है उससे बैक्टीरिया से है कि नहीं जल्दी बताओ बोलो यस yes, लेकिन देखो देखो अब होता क्या है जब भी कोई बैक्टीरिया कैसे हमारा इम्यून सिस्टम मारता है किसी को जैसे ही कोई भी चीज कुछ भी बाहर का हमारे बॉडी में जाता है ना बेटा तो हमारा बॉडी उसको कैसे ट्रीट करता है कैसे ट्रीट करता है एज एज अ अ फॉरेन 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 मटेरियल 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 कैसे ट्रीट करता है जल्दी जल्दी बताओ as a foreign material. Foreign material. आ रही बात बताओ बात तो समझ देखो foreign material क्या हुआ जब भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी बाहर से जाएगा कुछ भी बाहर से जाएगा उसको हमारा बॉडी कैसे ट्रीट करेगा मान लो हमारा सेल है एक हमारे बॉडी का इसमें कौन एंटर किया बेटा बैक्टीरिया हमारा बैक्टीरिया इसको कैसे ट्रीट करेगा एज अ फॉरन सेल फॉरन सेल फॉरन मटीरियल है ना आप पक्की बात है फॉरन की तरह एक्ट करेगा क्योंकि हमारे बॉडी का तो है ही नहीं है नहीं है ना बोलो ठीक no, है no, तो, तो तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा एक्टिवेट क्या हो जाएगा एक्टिवेट और इस बैक्टीरिया को क्या करेगा किल कर देगा आई बात समझ बोलो yes, इसको किल कर देगा ठीक है अब देखो कैप्सूल का फायदा क्या है जिस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल वाला प्रेजेंट होगा ना वह हमारे इम्यून सिस्टम से उसको बचा लेता है आई बात समझ जल्दी बताओ बोलो yes, तो जिस बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर वाला नहीं बचेगा उसको तो मार देता है इम्यून सिस्टम लेकिन जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होगा ना ये बहुत हार्ड है टफ है है ना तो वह हमारे डब्ल्यू बी सी मेनली जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसका सबसे मेन कॉम्पोनेंट कौन है वाइट ब्लड सेल्स कौन है बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स ठीक है

फगोसाइटोसिस बाय डब्ल्यूबीसीज ऑफ इम्यून सिस्टम यह बैक्टीरिया को बचा सकता है किससे डब्ल्यूबीसी से, से. जिसमें क्या प्रेजेंट होगा कैप्सूल अगला क्या करता है कैप्सूल कैप्सूल है अ गम्मी गम्मी मतलब स्टिकी अपीयरेंस होता है स्टिकी होता है नेचर में ठीक है स्टिकी प्रॉपर्टी एंड दस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एज वेल एज एडेशन टू द सॉलिड सरफेसस एंड टू द न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरमेंट अब देखो कोई चीज अगर स्टिकी है तो किसी भी सरफेस पे अगर उसको अटैच होना है तो हेल्प करेगा कि नहीं अटैच होने में जल्दी बताओ yes, है ना मान लो कि बाहर में न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट पे उसको बैठना है तभी तो खा पाएगा तो उसमें भी हेल्प करेगा कि नहीं अटैच करने में जल्दी बताओ बोलो yes, है ना yes, तो yes. देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने अभी तक यही पढ़ा कि सर सेल इनवेलप होता है उसमें तीन लेयर होते हैं पहला आउटर मोस्ट कौन होता है बोलो सब लोग बेटा आउटर मोस्ट कौन होता है ग्लाइकोकैलिक्स कैलिक्स सेकेंड कौन होता है Cell cell wall. Wall. Cell. कौन होता है? Cell cell memory. Memory. है. ठीक उसके बाद हमने पढ़ा कि सर जो ग्लाइको है ना कितने फॉर्म में हो सकते हैं दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं पहला क्या है दूसरा क्या है स्लाइम 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 सर, सर, जब होगा और लूजली अटैच होगा सेल वॉल से तो इसको क्या बोलेंगे और जब वो थिक होगा और टाइटली अटैच होगा सेल वॉल से तो क्या बोलेंगे उसके बाद हमने देखा की स्लाइम फंक्शन क्या है और कैप्सूल क्या क्या स्लाइम लेयर क्या करता है लॉस ऑफ न्यूट्रिय से बचाता है मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिय देगा प्लस बैक्टीरिया को डेजिकेशन मतलब ड्राई कंडीशन से द्राई बचाता द्राई है. Clear है? Clear है 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 क्लियर क्लियर ना उसके बाद हमने देखा कैप्सूल का भी दो फंक्शन कैप्सूल क्या करता है एक तो हमारे इम्यून सिस्टम में जो डब्ल्यू है उसके फैगोसाइटोसिस इफेक्ट से बचाता है किसको बैक्टीरिया को और दूसरा क्या करता है कहीं पे भी क्योंकि उसका स्टिकी नेचर होता है कहीं पे भी अटैच होने में किसी सॉलिड सरफेस पे बैठना है कहीं न्यूट्रिशन पे बैठना है तो पे इसको अटैच बैक्टीरिया में बेटा इन्फेक्शन yes, करना है तो सबसे पहले मेरे सरफेस पे बैठना होगा कि नहीं बैठना होगा अटैच होना होगा कि नहीं yes, होना होगा ना तो अटैच कौन अच्छे से हो पाएगा लेयर वाला कैप्सूल वाला कैप्सूल वाला है ना तो ज्यादा बीमारी कौन कौज कौन करेगा कैप्सूल वाला exactly, है आपका बैक्टीरिया को क्या बोल देते हैं बेटा हम इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्योंकि अंदर है इन मतलब इनसाइड किसके अंदर है कैप्सूल के अंदर है ठीक In, मतलब है? है, है तो ऐसे जिस बैक्टीरिया में उसको क्या बोल देंगे इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है ना और इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जनरली हैव ग्रेटर पैथोजेनिसिटी पैथोजेनिसिटी मतलब अबिलिटी टू कॉज डिजीज पैथोजेनिसिटी क्या होता है बेटा अबिलिटी टू कॉज डिजीज तो जिस बैक्टीरिया के अराउंड कैप्सूल होगा उसमें ज्यादा अबिलिटी होगा क्या कॉज करने का क्या कॉज करने का डिजीज क्लियर है बोलो यस यस सर अब देखो दूसरा अब मीजो आ गया यहाँ पे एक मिनट हाँ. चलो तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया ग्लाइको के बाद अगला स्ट्रक्चर क्या देखेंगे बेटा अपन बताओ तो बता जिसमें बताया था ना क्या क्या होगा एसिड्स प्लस, शुगर. प्लस, प्लस शुगर. शुगर है ना यह दोनों मिलकर बनाता है इसका वॉल जिसको हम म्यूरिन भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं म्यूको Peptide. Peptide. आगे देखो दे सबको पता है, है, आपका. तो घर का कौन करके रखता है? आउटर वॉल ही ना है कि नहीं yes, ठीक है तो सेल वॉल सबसे पहले क्या करेगा सेल का शेप मेंटेन करके रखता है उसका साइज मेंटेन करके रखता है तीसरा सेल को टूटने से भी बचाता है क्योंकि दीवाल है दीवाल में कोई टकराएगा या घर में पानी भर गया तो पानी भरता है तो क्या दीवार टूट जाता है आपका तुरंत नहीं टूटता है बचाता है ना आपके घर को जल्दी बताओ बोलो yes, तो देखो सेल बॉल का काम क्या होगा या देगा, देगा, बस्ट होने से फटने से बचाएगा बोलो सर सेल फटेगा क्यों मान लो सेल के अंदर कभी बहुत पानी चला गया uh -huh. बात समझ में आ रही है बेटा सेल के अंदर क्या हुआ बहुत पानी चला गया तो सेल फट सकता है ना फट सकता है कि नहीं बोलो

मतलब ये स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ताकि बैक्टीरिया को लैप्स ना कर जाए या कभी टूट ना जाए बस्ट ना कर जाए कैसे देखो एक कंडीशन है ये तो अभी आपको नहीं पढ़ना था लेकिन बता देता हूं हल्का सा देखो आप <coughs> कोई भी एक सेल होगा मान लो एक सेल लेते हैं अपन प्लांट सेल एनिमल सेल है ना सब जानते हो प्लांट सेल में वॉल सेल होता है कि नहीं होता बेटा होता है होता है है ना तो चलो एक प्लांट सेल हम लेते हैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको एक प्लांट सेल लिया हमें इसमें क्या है सेल वॉल भी है और इसमें सेल भी है है ना में yes, अब तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और एनिमल सेल भी ले लेते हैं एनिमल सेल की बात करो अगर तो एनिमल सेल में सेल मेंब्रेन होता है सेल वॉल होता है क्या नो no. नहीं होता है अब देखो एक सॉल्यूशन होता है अभी तीन टाइप के अपन सोल्यूशन पढ़ेंगे एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन दूसरा होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है जल्दी सॉल्यूशन सॉल्यूशन और तीसरा होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है हाइपरटोनिक ये तीन टाइप के सॉल्यूशन हम देखेंगे अभी नहीं पढ़ रहा है लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता रहा हूं देखो आयसो मीन क्या होता है किसी को पता है आइशो का मतलब क्या होता है सेम आइशो का मतलब सेम तो चलो एक बकेट हमने लिया इस बकेट में मान लो कोई सोल्यूशन है भरा हुआ और इस बकेट में हमने एक किसको डाल दिया प्लांट सेल को किसको डाल दिया बेटा प्लांट सेल को किसको डाल दिया इसके अंदर जल्दी बताओ प्लांट सेल प्लांट सेल को कैसा सोल्यूशन देखो तो आइसोटोनिक है ना कैसा है आइसोटोनिक आइसो आयसो मींस क्या होता है सेम आइसो मींस सेम मतलब क्या हो गया सेम <coughs> होता है सेम और टोनिक मीन्स क्या होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन है ना तो मतलब ये हो गया सेल के अंदर भी आपका लिक्विड है कि नहीं फ्लूड है कि नहीं साइटोप्लाज्म जल्दी बताओ बोलो yes, और सेल yes. के बाहर भी एक लिक्विड है जिस लिक्विड में हमने उस सेल को डाला है मतलब सेल का जो अंदर में जो फ्लूड है और सेल के बाहर में जो फ्लूड है जो बकेट में फ्लूड है उन दोनों का क्या क्या है 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 दोनों का क्या है? सेम Same. Same. ना तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे आयुसोटोनिक सेल के अंदर का सोल्यूशन और सेल के बाहर का सोल्यूशन जब दोनों सेम हो तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा आइसोटोनिक आइसोटोनिक अब एक बात बताओ पानी कहाँ से कहां मूव करेगा पानी या जो भी ले लो आप जो सॉल्यूशन है कहां से कहां मूव करेगा कहीं मूव करेगा क्या अरे आइसोटोनिक मतलब क्या हुआ सेल के अंदर मान लो पांच लीटर है समझाने के लिए और सेल के बाहर जो बकेट है इसमें भी पांच लीटर है तो दोनों में कॉन्सेंट्रेशन क्या है सेम है ना तो पानी का फ्लो होगा क्या होगा होगा लेकिन नेट फ्लो क्या होगा नेट फ्लो क्या होगा जीरो अब बोलोगे सर नेट फ्लो क्या हो गया देखो मतलब ये हो गया पांच लीटर पानी ये सेल सेल से आ रहा है बकेट में तो बकेट से भी कितना अंदर जा रहा है पांच लीटर ही आई बात समझ जल्दी बताओ बोलो सीधी बातें समझो नहीं समझ में आ रहा है सीधी बातें समझो धीरे धीरे डेवलप होगा आइसोटोनिक जब हो गया तो मतलब सीधी बात है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो सेल से अगर बाहर पांच लीटर जा रहा है तो सेल के अंदर भी कितना जा रहा है पांच लीटर तो नेट फ्लो कितना हो गया पांच माइनस पांच कितना जल्दी बताओ जीरो है ना नेट फ्लो मतलब हाँ आप ऐसे बोल सकते हो दोनों में फ्लो नहीं हो रहा है रॉ लैंग्वेज में समझने के लिए है ना ऐसा नहीं होता पानी का फ्लो तो होता ही रहता है सोल्यूशन का लेकिन आपके समझने के लिए सीधा समझ लो आइसोटोनिक में क्योंकि सर अंदर और बाहर दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो यहाँ पे फ्लो नहीं होगा क्लियर है जल्दी बताओ yes, बोलो दूसरा देखो हाइपोटोनिक हाइपोमीन्स क्या होता है पता है किसी को लेस लेस हाइपोमीन्स लेस अब ये तो सबको पता होगा कि सॉल्यूशन दो चीज को मिला के बना हुआ है किसको किसको सॉल्यूशन किसको किसको बना हुआ है भाई सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट अरे ये सब भी नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने सॉल्यूशन किसको किसको मिला के बना हुआ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट नहीं होता है hmm. पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ तुम लोग ये बताओ ना हा या ना दो आंसर तो करो क्या रिद्धि यस yes, Yes. तो, है। तो, तो, बोलो पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे मतलब बैठ के क्या क्या कर रहे हो देखो सोल्यूशन क्या होता है सोल्वेंट प्लस सोल्यूट ठीक है मतलब जैसे कि अब बहुत लोगों को नहीं भी पता मुझे पता है नहीं पता होगा बहुत लोगों को सिंपल सी बात है दूसरी बात सॉल्वेंट समझाने के लिए बोल दो जैसे आपने पानी लिया और पानी में आपने नमक को डाल दिया नमक क्या हो गया सॉल्यूट और पानी क्या हो गया सॉल्वेंट रॉ लैंग्वेज में समझने के लिए क्या बोल सकते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता उसको है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं जिसका कम होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं पानी ज्यादा होगा कि नमक ज्यादा होगा जल्दी बताओ पानी ज्यादा होगा ना तो सोलवेंट पानी पानी सॉलवेंट हो गया नमक क्या होगा सॉल्यूट तो, ठीक है तब तब आपका सोल्यूशन बन गया है पानी और नमक का चलो देखो हाइपोटोनिक मीन्स जब भी ये टर्म सब यूज करूंगा ना मैं हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक ये सब किसके लिए यूज होगा सॉल्यूट के लिए किसके लिए सॉल्यूट किस तो हाइपोटोनिक मीन्स हाइपोटोनिक मीन्स क्या हो गया लेस लेस सॉल्यूट अगर सोल्यूट कम है तो ज्यादा क्या होगा पक्की बात ज्यादा क्या होगा मोर सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा yes, चलो हाइपर हाइपर मीन्स क्या होता है मोर हाइपर मीनस मोर अभी बताया मैंने हाइपो हाइपर सब किसके लिए यूज करोगे आप किसके लिए सोल्यूट के लिए सोल्यूट के, के लिए तो इसका मतलब हाइपर टोटोनिक सोल्यूशन में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है सोल्यूट का मोर सोल्यूट तो इसका मतलब पक्की बात है लेस क्या होगा यहां पे? लेस सॉल्वेंट, ठीक है अब चलो अब यही समझाना था मेरे को अब हमने एक बकेट ले लिया इस बकेट में कैसा सॉल्यूशन है जल्दी बताओ हाइपोटोनिक। कैसा है हाइपोटोनिक। और इसमें हमने प्लेस कर दिया एक्सेल को किसको प्लेस कर दिया एक्सेल को अब देखो हमने इस सेल को कैसे सॉल्यूशन में डाला है जल्दी बताओ तो हाइपोटोनिक में हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक मतलब ये जो सॉल्यूशन बकेट में है इसमें कौन ज्यादा है सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है और कौन ज्यादा आपका सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्वेंट आप जानते हो यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं पानी को वाटर को है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं वाटर, वाटर को ठीक है तो मान लेते अभी वाटर मान के ही समझो आप कहने का मतलब ये हो गया सर इसका मतलब आप ये बोल रहे हो क्या मोर सॉल्वेंट मतलब बाहर में ज्यादा पानी है और अंदर में क्या है सेल के अंदर में कम है ना तो पानी का फ्लो कहां से कहां होगा बकेट में से सेल में, से में कहा जाएगा कैसा सॉल्यूशन से, है, है हाइपोटोनिक मतलब बाहर में पानी ज्यादा है तो पानी कहाँ घुसना शुरू किया जल्दी बताओ सेल, सेल के अंदर अब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल के पे प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा 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 ना तो अब यही समझाना था मेरे को प्रेशर बनेगा तो ये सेल फट भी तो सकता है ना जल्दी बताओ yes, yes. है ना लेकिन यहां पे देखो दो दो मेम्बरेन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है एक तो सेल है और बाहर से कौन है रिजिड सेल वॉल सेल वॉल बहुत रिजिड होता है वो जल्दी टूटता नहीं है तो ये सेल आपका बस्ट नहीं करेगा टूटेगा नहीं कौन बचा लिया टूटने से कौन बचा लिया बस्ट होने से सेल वॉल सेल वॉल है ना लेकिन लेकिन यहीं पे अब आते हैं एनिमल सेल में अब इसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ध्यान दो इसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने किसको प्लेस कर दिया किसके सेल को अबा एनिमल सेल को एनिमल सेल को आनिमल आनिमल सेल में हाँ कुछ हद तक ये भी बर्दाश्त करेगा जल्दी नहीं टूटता है लेकिन बहुत ज्यादा पानी चला गया तो ये क्या होगा टूट जाएगा बस्ट कर जाएगा क्योंकि इसके बाहर में कौन सा कवरिंग नहीं है जो बहुत रिजिड कवर होता है ये टूटेगा नहीं क्लियर है जल्दी बताओ यस yes, सर क्लियर है बेटा यस सर तो आपने देख लिया तो यही मैंने बताया आपको कि सेल बॉल क्या काम करेगा वही हमने पढ़ा था कि एक सेल को बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से क्या करेगा बचाएगा आई बात समझ बोलो yes, कैसे बस्ट होने से बचा लिया देखो ना एनिमल सेल में जब आप पानी ज्यादा घुसेगा ना तो ये टूट जाएगा फट जाएगा ये क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं, उसको के लिए? नहीं है जबकि प्लांट सेल जनरली बस्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें एक एडिशनल प्रेजेंट है बाहर में डेट इज कॉल उसको क्या बोलते हैं सेल वॉल क्लियर है, yeah, है बेटा yes, अब एक सोल्यूशन देखो कौन सा आपका हाइपरटोनिक हाइपर मीन क्या होता है ज्यादा Hyper means more. More क्या? Solute. चलो इसमें अब को डाल के देख लेते जल्दी से इसमें आपने एक सेल को डाला. Hypertonic solution में. पानी कहां से, कहां से से. से? आएगा? बता जल्दी. बाहर आएगा कि नहीं? Yes, yes. से बाहर पानी आना शुरू हुआ तो जब सेल से बाहर किसी भी चीज से पानी बाहर निकालोगे तो कोलैप्स हो जाएगा कि नहीं हो सिकुड़ जाएगा कि नहीं लेकिन फिर भी प्लांट सेल कोलैप्स नहीं होता है पानी निकलने के बाद किसके कारण सेल वॉल के कारण यही तो समझा रहा था क्लियर है बताओ yes. यही तो वहां पे बता रहा था देखो यहीं पे है कि इन ग्राम पॉजिटिव यहाँ सेल वॉल डिटरमाइन डिटरमाइन द शेप शेप किया प्लस या स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है स्ट्रॉन्ग क्या देता है बेटा स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ताकि क्या होता है आपका वह कोलैप्स ना हो या दूसरा क्या ना हो जल्दी बताओ बस्ट oh. ना हो बस्ट किस कंडीशन में रोकता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में और कोलैप्स कब रोकता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में क्लियर है बेटा yes क्लियर, है? क्लियर है सबको क्लियर है यस यस सर सर चलो तो इसी तरह आपको और रिवीजन कर रहे हो सब लोग yes रिवीजन कर रहे हो सब लोग yes, हाँ आ, तो रिवीजन एकदम प्रॉपर होना चाहिए अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी बाद में ठीक है ठीक है बेटा Yes, तो रिविजन yes, समझ में आया हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब okay. इसके आगे के टॉपिक अपन देखेंगे कल ठीक है मतलब जो भी अब आगे के टॉपिक होंगे कंटिन्यू करेंगे अपन लेक्चर नंबर टू में क्लियर है बेटा इसका अगला जो लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स ठीक है ओके okay, सर तो देखो okay. तो देखो ये सब हमने पढ़ लिया अब यहां से हम शुरू करेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दो टाइप के और बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया में दो टाइप के पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ठीक है बेटा कब बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव कब बोलेंगे ग्राम नेगेटिव और एक कैसे डिसाइड हुआ ग्राम पॉजिटिव किसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव किसको बोलेंगे बात समझ में आ रही है ये बातें अपन देखेंगे कल ठीक है इसमें एक मेथड है अपन कल आके देखेंगे एक मेथड से सारा डिसाइड होता है बेटा है ना कि किसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव देखो ये मेथड दिया हुआ है किसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव किसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव यह सब एक तरीका से डिसाइड होगा ठीक है बेटा Yes, बोलो yes. हाँ सर okay, चलो कोई डाउट है किसी को तो आप पूछो ठीक है क्योंकि अब चीजें कल कंटिन्यू करेंगे आज टाइम है नहीं हमारे पास किसी को कोई डाउट है तो पूछो आप सर संडे टेस्ट का संडे टेस्ट में क्या आने वाला है पहले टेस्ट में आपको बेसिक क्वेश्चन आएंगे है ना बेसिक मतलब आज तक जहां तक पढ़ा दिया समझो यहीं तक क्वेश्चन आएगा ठीक है क्लियर है Okay, हाँ आज तक आपको जहां तक पढ़ा दिया यहीं तक क्वेश्चन आएगा इतना आप करके आना बेटा सब लोग ओके सर ओके सर सर जो हमारा टेस्ट होगा वो लाइक हम स्टेप्स होगा कि हमें लिंक मिल जो टेस्ट होगा वो हो, ऐप में होगा बताओ ऐप में होगा वो हो, ठीक है सर कौन सा ऐप में वो ऐप आप, आप, आपको idea. आपको सारी जानकारी आपको कल आपको इवनिंग तक सारी मतलब आपके ग्रुप में सब कुछ लिख के लिंक वगैरह उसे आपका सब दे दिया जाएगा ठीक है बेटा टाइमिंग टाइमिंग से एक लेके लिंक कैसे इन करना है सब यहाँ से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कल ठीक है हाँ, उसका टेंशन सब मिलेगा रिकॉर्डिंग बेटा मैं देखो आज मैंने रिकॉर्डिंग निकाल ली है ठीक है एक आंसर नहीं मेरे को बोला कि सर रिकॉर्डिंग भेजो बाकी कोई लोग नहीं बोला है बाकी लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए बाकी जो नए बच्चे हैं हेमल